हेलो गाइस, मैं अभी गांव में हूँ, इस वजह से वीडियोस नहीं आ रहे हैं। दो दिन से मैंने प्रॉपर सेटअप कर लिया था कि आगे जो वीडियोस आएंगे काफ़ी बढ़िया आएंगे, काफ़ी बढ़िया एडिटिंग, काफ़ी बढ़िया बैकग्राउंड के साथ आएंगे। सब कुछ सेटअप हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये हो जाएगा। गाइस, मेरी दादी की डेथ हो गई है और इस वजह से मुझे अभी गाँव में रहना पड़ेगा कुछ 10-15 दिन। मैं सिटी में रहता हूँ अपने फैमिली के साथ, और जब पता चला दादी की तबीयत ख़राब है, मैं आ गया था दादी को देखने के लिए। हुआ यूँ कि उनकी डेथ हो गई और इस वजह से मुझे अभी गांव में ही रहना पड़ेगा 10-15 दिन। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं कुछ जो शायद आपको मिले, और शायद मुझे टाइम ना मिले तो भी ना भी मिल सकता है। मैं कोशिश करूँगा शेड्यूल करके रख दूँ, टाइम तो मिल नहीं पा रहा है ना गाइस। आप पूरा मैटर समझ लो, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा था उसी दिन जिस दिन दादी की डेथ हुई थी, लेकिन मैं अपलोड कर नहीं पाया क्योंकि टाइम मिला नहीं मुझे। हेलो गाइस, देख सकते हो मैं गांव में हूँ अभी। गाइस, मैं कल गांव आया था। एक्चुअली मैं टाउन में रहता हूँ और मेरी दादी वगैरह जो है, दादी चाचा, ये लोग रहते हैं गाँव में। तो कल एक्चुअली हुआ ये कि दादी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई कंटिन्यूसली, है ना। तो हम लोग पूरी फैमिली के साथ आए दादी को देखने के लिए, दादी ठीक हो जाए कैसे भी। डॉक्टर वगैरह से दिखवाया हम लोगों ने, लेकिन आज रात 2:30 बजे के अप्रॉक्स में दादी डेथ कर गई। गाइस, सीन यह है कि मैं अभी इसी सब चक्रों में रहने वाला हूँ, मतलब क्रियाक्रम जो भी होगा उसमें काम वगैरह बहुत सारे होने वाले हैं। तो अभी मैं YouTube पे वीडियो शायद अपलोड ना कर सकूं। कुछ वीडियो शेड्यूल हैं हमारे, अब तक पहुंचेंगे, बट मैं कुछ दिन इनएक्टिव रहने वाला हूं YouTube पे। अभी आप आसपास जितने पेड़ वगैरह देख रहे हो, पेड़ पौधे हैं, मैं आया हूं बैकग्राउंड में आप देख रहे हो लकड़ी कट रहा है, मैं आया हूं लकड़ी कटवाने के लिए दाह संस्कार में जो काम आता है। गाइस, बोलते हुए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़। मेरी दादी 90 ईयर्स ओल्ड थी, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, मतलब ये समझ लो दान धर्म बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत ज़्यादा, हमेशा सीताराम करते रहना। मतलब मुझे कल भी याद है जब मैं आया था तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा माथा ठोक ठोक के आशीर्वाद दिया था मुझे कि खूब जियो बचो और लाइफ में बहुत तरक्की करो। मतलब गाइस, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ। पर्सनली मैं काफ़ी क्लोज रहा हूँ दादी के। मैं बस आपको इतना ही इन्फॉर्म करने आया हूँ कि यार अब मैं 10-15 दिन शायद इनएक्टिव रहूँगा। कुछ शेड्यूल्ड वीडियोस हैं जो आएंगे, अपलोड होंगे, तो देख लेना आप लोग। गाइस, प्लीज़ आप लोग प्रार्थना करो उनकी आत्मा को शांति मिले। तो गाइस, ये चीज़ था कि मेरी दादी की डेथ हो गई, बट बेस्ट चीज़ ये हुआ कि यार मैंने उनसे मिल लिया, काफ़ी दिनों से मिला नहीं था, उनका भी काफ़ी मन था। जैसे ही मैं उनसे मिला, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आशीर्वाद दिया। मिस कर रहा हूँ गाइस यार, बट ठीक है, पापा ने समझाया कि एक ना एक दिन किसी को जाना ही होता है। तो गाइस, वीडियोस आएंगे शायद, और वेट करो, अभी जो है वैसे ही सेटअप पे आएगा, लेकिन मैंने सेटअप तैयार किया है गाइस। अगले 15 दिन बाद अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे सेटअप के साथ, तो वेट करो और ऐसे प्यार देते रहो माई टिप्स टीवी को और अपने समर भाई को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।